हेलो व्यूअर्स, तो कैसे आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम टू इनदर गेम प्ले ऑफ लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल ऑपरेशन बेस। तो आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं लास्ट आइसलैंड ऑफ सर्वाइवल का ऑपरेशन बेस, और आज हम लोग फिर से किल करने वाले हैं टैंक और एवेंजर को। लेकिन नॉर्मली तो हम टैंक और एवेंजर को किल करते हैं गन के साथ, लेकिन आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और हम उन्हें ट्राई करेंगे किल करने का ग्रेनेड लॉन्चर के साथ। ग्रेनेड लॉन्चर के साथ हम एवेंजर को भी किल करने का ट्राई करेंगे और टैंक को भी। और इसी के साथ साथ मेरे पास में ये एक इम्प्रूव्ड ग्रेनेड भी मौजूद है, तो ये भी मैं ट्राई करने वाला हूँ एवेंजर पर, और देखेंगे कि इसका कितना डैमेज जाता है एवेंजर को। और अगर मैं तुम लोगों को दिखा दूँ एमओ, तो मेरे पास में टोटल 60 एमओ है ग्रेनेड लॉन्चर की, क्योंकि मेरे पास में 20 यहाँ पर पड़े हुए हैं, 14 ये है और 6 लोडेड है ग्रेनेड लॉन्चर पर। लेकिन अगर ग्रेनेड लॉन्चर का ये तरीका नाकाम हो गया तो हमारे पास में AKM भी मौजूद है, और उसके साथ साथ 1000 बुलेट भी मौजूद है, तो हम उसे AKM से भी किल कर सकते हैं। तो फटाफट से चलते हैं टैंक और एवेंजर के पास और उन्हें किल करने का ट्राई करते हैं इस नए टेक्निक के साथ। ऑलराइट, अभी देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं एवेंजर के पास, और अभी हम लोग सीधा इसको किल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसके ज़ॉम्बीज को फिनिश कर देते हैं यहाँ से। ऑलराइट, अभी एवेंजर मेरे सामने है और मैं सबसे पहले थ्रो करता हूँ ग्रेनेड को। और ये क्या ग्रेनेड का, तो इसको ज़रा बराबर भी डैमेज नहीं किया। अभी हम लोग ट्राई करते हैं ग्रेनेड लॉन्चर का, और ये क्या, इससे तो हम खुद ही नॉक हो गए। मुझे लगता है कि ये वाली फाइट हमारे लिए थोड़ी बहुत हार्ड साबित होने वाली है। तो अभी हम फिर से चलते हैं वहाँ पर और ट्राई करते हैं उन्हें किल कर। ऑलराइट, तो अभी हमने फिर से अपने सारे के सारे एक्सेसरीज इक्विप कर ली है, और अभी फिर से हम लोग ट्राई करने वाले हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस बारी कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। और ये क्या सिर्फ 300 का ही डैमेज पड़ रहा है इसको, तो यहाँ पर तो ये ग्रेनेड लॉन्चर वाला तरीका नाकाम हो जाता है, क्योंकि अभी देखो ना खुद ही इसको सिर्फ 300 का ही डैमेज पड़ रहा है। और इस हिसाब से अगर हम चलते रहे तो सारे ही एमओ अगर हम इस पर वेस्ट करें तब भी हमारा किसी काम का नहीं है ग्रेनेड लॉन्चर। और अभी हमारा एवेंजर किल हो चुका है, देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या लूट मिलती है। और यहाँ से हमें एक और ग्रेनेड लॉन्चर मिल चुका है। ऑलराइट, तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं टैंक के पास, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि टैंक को ग्रेनेड लॉन्चर से कितना डैमेज जाता है। और मुझे तो पर्सनली यही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज जाएगा, कम से कम 500-600 या फिर 1000 तक का डैमेज तो जाना ही चाहिए। ताकि देखते हैं कि टैंक को कितना डैमेज जाता है इससे। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ग्रेनेड लॉन्चर वहाँ तक पहुँच भी पाएगा, लेकिन चलो फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ, वहाँ तक ग्रेनेड लॉन्चर नहीं पहुँच पा रहा, और अगर पहुँच भी रहे तो टैंक वहाँ से निकल जा रहा है। उससे पहले हम इस भाई सब्जी को हटा दिया है। अभी हम इसको रोकते हैं अपने लिए, और समझ में नहीं आ रहा कि इसको डैमेज आखिर पड़ क्यों नहीं रहा है। इसको ग्रेनेड लॉन्चर पर कोई भी डैमेज नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्यों। इस पर भी ग्रेनेड लॉन्चर कोई असर नहीं कर रहा, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हमारा ग्रेनेड लॉन्चर वाला तरीका बुरी तरह से फेल हो चुका है।
क्योंकि आप लोग भी देख सकते हैं और मैं भी देख ही रहा हूँ कि इसको ज़र्रा बराबर भी ग्रेनेड लॉन्चर का डैमेज नहीं पड़ रहा। तो अभी इसको एक केएम से किल करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1000 बुलेट ही है एक केएम की। अगर तो मैं ट्राई करूँगा तो यकीनन यहाँ पर भी मैं बुरी तरह से किल हो जाऊँगा और मेरा नुकसान भी हो जाएगा क्योंकि एमो खत्म हो जाएगी मेरे पास में, लेकिन टैंक किल नहीं हो पाएगा। बाकी चलो कोई ना, ट्राई करते हैं, जितनी भी बुलेट है खर्च कर देते हैं, लेकिन इसको अगर तो हम किल कर सके कर देंगे, वरना तो मुझे भी पता नहीं कि होने वाला है नहीं। ऑल राइट गाइस, अभी हमारा एक एम भी टूट चुका है। मुझे लगा था कि हमारे पास में एमो खत्म हो जाएगी, लेकिन बदकिस्मत की बात यह है कि हमारा एक एम टूट गया है। तो अभी हमारे पास में जो M4 में जो थोड़ी बहुत बुलेट है, तो अभी हम इसी से ही किल करने का ट्राई करते हैं। अगर तो ये किल हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात रहेगी। ऑल राइट, तब यहाँ से मुझे एक मोटो मिल चुकी है यानी बाइक, और ये कुछ स्नाइपर गन के अटैचमेंट्स वगैरह है, तो ये भी मैं जल्दी से उठा लेता हूँ। अभी हम चलते हैं घर पर और ये सब सारा सामान रख देते हैं। ओके, तो गाइस आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट किसी लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।